घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। अरे बाप रे, गए काम से, अब इनका क्या होगा? मार रहा है? जानता है मेरा नाम क्या है? तेरा जो भी नाम, क्या तू खुद को बचा पाया? क्या खुद को पिटने से रोक पाया? तूने जो पाप किए उसका बिल तुझे ही भरना होगा। दर्द और जख्म नाम या बैकग्राउंड के मोहताज नहीं होते। हर ना इंसाफी का मुंह तोड़ जवाब दूंगा, और जो कानून तोड़ेगा उसे तो मैं। अरे बहन जी, कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल मत घबराइए, ओके? बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? चेह, कुछ नहीं हुआ। लगी भी होगी तो तुम कहाँ मुझे बताओ? मुझे कुछ हो सकता है क्या चाचू? हे यू टाइकॉन, तुझे रेप करने का लाइसेंस मिल गया, अब जो तेरे जी में है तू कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लव यू ब्रदर, एंजॉय, लेट्स सेलिब्रेट। ए, इसको ट्राई कर। फास्ट है। ए, सारे को चीट डालो, कोर्ट को मैं संभाल लूंगा। Hey!
वक्त पर मिले। अगर कोर्ट नहीं करेगा तो मैं करूंगा। कौन था वो? आज के बाद कभी झगड़ा कैसे और इसे क्यों मार रहे हैं? के बाद आज हाथ लगी है, कौन बचाएगा तुझे? मरने को तैयार हो जा। लोग देवी को जानवरों की बलि देते हैं, मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा। ए नगाड़े बजाओ, सारे शहर को पता लगना चाहिए कि मैं इसकी बलि चढ़ाऊंगा। जाओ मार। हाथ छोड़ो। मैंने कहा हाथ छोड़। गणेश सुनो। नहीं, कुछ समझ गया। अपने डर पर काबू रखो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? देखो मेरी आंखों में, देखो मेरी तरफ, देखो, देखती रहो।
की बलि तो आज मैं चढ़ा के ही रहूंगा। हाँ तेरे बाप का माल है ना, आजा हाथ लगा, हाथ लगा ना। से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, तुझे और तेरे परिवार को खत्म कर देगा वो। बॉर्डर पर दुश्मन का नाम सुनकर उतना खून नहीं खोलता जितने तेरे धनुष के नाम से खोलता है। तुम उसके भाड़े के टट्टू हो, पर मैं जंगल का वो शेर हूँ कि जिसने जंगल में पैर रखा तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जानू मेरी है, ये बात भेजे में उतार ले, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। इसे हाथ तो लगाकर दिखा, फिर चाहे तू हो या तेरा वो धनुष, तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर घुस के मारूंगा। मैं तो ना लड़ने की कसम खाने वाला था, लेकिन आज इसी देवी के आगे प्रतिज्ञा लेता हूं, अब एक नया युद्ध आरंभ होगा। उसकी ताकत, मेरा क्रोध, उसका अहंकार और मेरी जिद के बीच ये जंग का ऐलान है। एनी टाइम, एनी वे, एनी बड़ी, आई एम रेडी। सर क्या रिपोर्ट है? हम लड़की को उठा लाए सर, 6 घंटे हो गए पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। लड़की को खत्म कर दो तब ही मानेगा। अंकल मैं टल्ली तो नहीं लग रहा ना? अरे 7-8 पैग में कोई टल्ली थोड़ी होता है। कौन है रे तू? मैं रेड्डी के घर को ढूंढ रहा था, यहाँ बुलबुल रेड्डी रहते हैं क्या? कोई बुलबुल रेड्डी नहीं है, वो बुल रेड्डी रहता है इधर, मेरा बॉस है वो। एक्चुअली मैं शहर से आया था शादी के लिए लड़की देखने, पता चला लड़की यहाँ पर है तो उससे एक बार मिल लूं फिर चला जाऊंगा। ज्यादा शाणा बनता है क्या, चुपचाप निकल ले। सर लगता है आपको मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, लड़की को देखा तो आप मारेंगे पर लड़की को नहीं देखा तो घर पर पापा वाट लगाएंगे। पापा क्या करेंगे? सबसे पहले तो पापा मुझे ऐसे ही पटकेंगे। इतना गुस्सा, बाप से ऊंची आवाज में बात करेगा। वो अपने पापा से कुछ ज्यादा ही डरता है, बैठ के शो देखते हैं। चलो हथियार, अपने बाप को हथियार दिखाता है। इतना बड़ा हो गया तू है, इतना बड़ा हो गया, निकल मैं नालायक। पता है माँ के दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी? गलत बात है, हथियार नहीं उठाना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या निशाना लगाया, देखो ऐसी तो और भी कई खूबियां हैं। अच्छा जो चीज बैल के गले में होनी चाहिए वो तेरे हाथ में क्यों है? उठाएगा दूसरे मुझे उठाएगा। बीच में बोला, वो बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में क्यों बोल रहा? इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था। अरे अरे मजा आ गया, इस शो के टिकट तो ब्लैक में खरीदे। आगे आगे देखो होता है क्या, बात कर रहे हो? गाँव क्यों गया था? लड़की को देख बिना देखे आ गया, बिना देखे कथा कहीं का, जो कहता हूँ वो कभी नहीं करता। मेरी बात ना मानने की हिम्मत कैसे हुई? डैडी कौन है? सॉरी डैडी, माफ कर दो डैडी। पिताजी को डैडी बोलता है? डैडी बोलता है, डैडी बोलेगा, शर्म नहीं आती? अंग्रेजी झाड़ेगा, इंग्लिश मीडियम म्युनिसिपैलिटी में पढ़ता है, इंग्लिश झाड़ता है। सॉरी पिताजी, दो फटके पड़ गए तो इंग्लिश भूल गया ना, इंग्लिश झाड़ेगा। पिताजी हिंदी बोलने आती नहीं है, इंग्लिश बोलेगा। डैडी पापा पॉप डैड, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या सीखा और किस किस को हिंदी सीखनी है यहाँ पर। पिताजी मार रहे हैं। कौन है वो? डैडी है वो, आपको भी मार देगा। कैसे हुई मेरे आदमियों को मारने की? तेरी तो
यहाँ ओबुल रेड्डी कौन है? बता छुपा बैठा है, कहाँ छुपा के रखा है उसे? कौन है ओबुल रेड्डी? जल्दी बता बे, वरना इसे मारता रहूंगा। डैडी सुनिए, वो दो नंबर गए। तुमने कहा वो असली हीरो है और मैं नामर्द कायम। तेरे मरने के बाद आएगा क्या वो? बुला उसे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। यही है वो? यही है। से दुश्मनी करेगा? पुरानी दुश्मनी है, तुझे एक नहीं कई बार मात दे चुका हूँ। महिमा रेप केस के बाद मैंने ही वीरेंद्र के पैर काटे थे। डीजीपी के रिटायरमेंट फंक्शन पर मैंने ही तेरे आदमी को मारा। तेरे पालतू कुत्ते ओबुल रेड्डी को कुत्ते की तरह मारकर सीधा किया मैंने। तेरा हर आदमी मुझसे मार खा चुका है, सिर्फ तू ही बचा है। तू मुझे छू भी नहीं सकता, मैं एक खतरनाक ब्रांड हूँ, विक्रम धनुष हूँ मैं। ब्रांड 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 मेड इन जापान, टूटा या नहीं? मेड इन चाइना, टूटा क्या नहीं? मेड इन अमेरिका, चूर चूर हो गया। किसी से मुकाबला करने के लिए ब्रांड मायने नहीं रखता, दम होना चाहिए जो मुझ में ठूस ठूस के भरा है, देखेगा। दिखने में स्टाइलिश हूं लेकिन अगर तूने उससे धोखा खाया पछताएगा, बहुत पछताएगा। अगर आग से खेलेगा तो जल जाएगा। लो तुम ही करो। इतनी आसानी से नहीं मानना चाहती। हा? मैं चाहती हूं दुनिया वालों को इसके कारनामों के बारे में पता चले। जमीन के लालच में जिस तरह इसने लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा है, इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी उन लोगों को न्याय मिलेगा।
सही कह रही हो, इतनी आसान मौत, इसे थोड़ा और तड़पाना चाहिए। जितना दर्द इसने लोगों को दिया है, जब तक उतना ही दर्द इसे नहीं होता, मुझे चैन नहीं आएगा। इसने तो इतने पाप किए हैं कि इसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। इसे कानून सजा देगा। अरे कहां इस पे केस करके 10-15 साल वेस्ट करने, अभी फैसला करते हैं। धनुष और सीएम का अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है। ऐसा करना सही तो होगा ना? देखिए सर, इतने साल देश की सेवा करके मैंने क्या कर लिया? कुछ नहीं कर सका। पुलिस डिपार्टमेंट और पूरा सिस्टम मिलकर कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आपके बेटे ने किया है। इस राज्य के लोगों के पास जुल्म सहने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था, पर अब सब जागरूक हो चुके हैं। ऐसे कमीनों के लिए तुम्हारा बेटा ही परफेक्ट है। आज मेरा रिटायरमेंट डे है, द लास्ट वर्किंग डे ऑफ माई जॉब। आज अपने करियर का सबसे बड़ा काम करने का मौका मिला है मुझे। यस, आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। आप घर जा सकते हैं। मुझे अरेस्ट करेगा? यस। अरे रुकना जरा। तुम तो जानते ही हो, अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचा देने वाला अभिशाप हूँ मैं, फिर भी मुझसे पंगा ले लिया। सर, सर, सॉरी सर। हर घंटे तेरे घर का एक मेंबर स्वर्ग पहुंचेगा। नहीं, नहीं सर। ऐसा ना हो, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा जानते हो? गणेश को यहाँ बुलाना होगा। शाबाश पापा। मीडिया में तेरी जान पहचान है ना, थोड़ी हमारी भी है। अगले घंटे की ब्रेकिंग न्यूज क्या होगी जानते हो? डीजीपी पर कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया और वो नर्क पहुंच गए। इस हमले में पुलिस वाले भी शहीद हो गए और इत्तेफाक से वहां मौजूद सीएस का छोटा भाई भी शहीद हो गया। इन हत्याओं का गवाह कौन होगा? तुम होगे। सर, 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 प्लीज देखिए सर, उसको हॉस्पिटल ले जाना है मुझे। हॉस्पिटल तेरी तो। रिलैक्स, ले जाना, लेकिन अपने बेटे को बुलाने के बाद। चल फोन निकाल, बुला उसे। हाँ पापा। गणेश, मेरी बात सुनो, इसी वक्त डीजीपी के ऑफिस आ जाओ। अभी आता हूँ, पर आप इतने टेंशन में क्यों हैं? जल्दी से आ जाओ। पापा, 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 हेलो, चलो उठ, अपने भाई को संभाल जाके चल। ए, जाना। ए, घूर क्या रहा बे, चलना। ए, सुनो रे, इन सब को ले जाके कमरे में बंद कर दो, वो आएगा और मरेगा। मेरे भाई, क्या हो गया तुझे? अरे उठ, उठ, उठ। ये क्या हुआ? चाचा, 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 चाचा।
कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं। हे, कुछ नहीं होगा, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। पापा, मैं चाचा को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, वहाँ ये चाचा, ए, चाचा, चाचा। गणेश, तुझसे भीख मांगता हूँ, खुद को उनके हवाले कर दे, तभी वो तेरे चाचा को हॉस्पिटल ले जाने देंगे, नहीं तो तेरा चाचा खत्म हो जाएगा। चाचा को मरने नहीं दूंगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें, मैं खुद को सरेंडर करता हूँ, बस चाचा, चाचा को बचा लीजिए, उन्हें हॉस्पिटल ले जाइए, ले जाइए पापा। मेरे भाई, तुझे कुछ नहीं होगा, हमें बच्चे की जरूरत नहीं है, हमारा बेटा तो ये है। जाओ, वो भी टपकने वाला है, फिर दोनों को साथ ले जाना। सर, मुझे जाने दीजिए, नहीं तो ये मर जाएगा। बोल रहा हूँ ना, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ, एक मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। मेरे बेटे की भी यही प्रॉब्लम है सर। मतलब? वो अपने चाचा से बहुत प्यार करता है, अगर उसके चाचा को कुछ हो गया तो पता नहीं वो क्या करेगा। क्या करेगा वो? मैं अपने बेटे को जानता हूँ, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ सर। क्या उखाड़ लेगा? चीर के रख देगा, मार डालेगा, तुझे ही मार डालेगा। मुझे मारेगा? अगर मैंने उससे कह दिया कि तेरा चाचा मर गया तो फिर तुझे मैं क्या बचाऊंगा, अगर भगवान भी आ जाए वो भी नहीं बचा सकता। धनुष, अगर उसके चाचा को कुछ हुआ तो हमें टपका देगा, भतीजे को छोड़ पहले इसका गेम बजा। क्या कहा? मेरे भाई को मारेगा, इसको मरवाएगा? मार के दिखा, तब है तो मार। ए बेटा, ये दरिंदे तेरे चाचा को मारने जा रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए तुझे पाला था? हिम्मत है तो अपने बाप को हॉस्पिटल पहुंचा कर दिखाओ। चाचा, बस दो मिनट और, बस दो मिनट और चाचा, आपका ये बेटा आपको बचा कर रहेगा। मैं रहूं ना रहूं चाचा, आपको जिंदा रहना होगा। यहाँ से जाएंगे तो तीनों साथ में जाएंगे, कुछ नहीं होगा, बस दो मिनट रुक जाइए चाचा। अगर जिंदा बचा तो अपने बाप को हॉस्पिटल लेकर जाना। मैंने तुझसे कहा था ना, इस खेल में दम की जरूरत होती है, अगर दम है तो ये खेल जीत कर दिखा। आ जा।